जयपुर राजघराने से एक बार फिर 48 साल बाद दादी गायत्री के बाद पोती दिया कुमारी ने जीत का परचम लहराया। दिया कुमारी 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। उसके बाद हाल ही में विधानसभा का चुनाव ना लड़कर लोकसभा चुनाव में राजसमंद सीट से लड़ी हैं, जिसमें कांग्रेस के देवकी नंदन काका को हराकर जीत दर्ज की है। चुनाव जीतने के बाद दिया कुमारी ने राजघराने के महाराजा और महारानी से आशीर्वाद लिया और राजसमंद की जनता का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जनता मोदी को पीएम बनाने के लिए पहले से ही मन बना चुकी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे राजसमंद की जनता ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं उसे अच्छी तरह से निभाऊंगी। जयपुर राजघराने का इस प्रदेश से बहुत ही पुराना नाता रहा है और पहले भी हमारे पूर्वजों ने खूब सेवा की है और मैं भी करूंगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी जी, आज मैं महाराणा साहब और महारानी साहब का आशीर्वाद लेने आई हूँ। और शुरू में भी जब मेरी टिकट की अनाउंसमेंट हुई थी तो सबसे पहले मैं इनका आशीर्वाद लेने आई थी और आशीर्वाद से, सपोर्ट से आज इतनी बड़ी बहुमत से मैं जीती हूँ। तो राजसमंद की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन लोगों ने पूरा मुझ पर विश्वास किया, विश्वास जिताया, मुझे जिताया और मोदी जी की इतनी बड़ी बहुमत से सरकार बनी। मेरे भी आप देख रहे हैं, मेरे पिताजी हैं, अपने महाराणा साहब हैं, जोधपुर हिजानस हैं, तो सब हम लोगों का तो बहुत पारिवारिक जुड़ाव रहा है। मेरे भी जयसिंह जी के जो महारानी साहब थे वो भी मेवाड़ के प्रिंसेस थे और जिस घर में मैं रहती हूँ सिटी पैलेस में वो भी चंद्र महल है और चंद्र कमर जो उनका नाम था, जो सिसोदिया रानी का बाग भी उन्हीं के नाम से बना है, उसी घर में तो मैं रह रही हूँ, वहीं तो मैं रहती हूँ जो उनके नाम से है चंद्र महल। तो ये सब बातें तो इनको शायद जानकारी, इनकी हिस्ट्री की नॉलेज बहुत कम थी, तो इन्होंने बात तो बोल दी लेकिन पूरी बात नहीं बोली, तो वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। और जनता अब ये सब बातें बिल्कुल नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता जनता को इन सब बातों में, वो आज की जानना चाहते हैं कि आज की सरकार क्या कर सकती है। और कांग्रेस सरकार ने सबने देख लिया कि ना तो उन्होंने 70 साल राज किया देश पे लेकिन कुछ काम नहीं किया। 5 साल मोदी सरकार ने जो काम करके दिखाया है, इसीलिए दोबारा से जनता ने उन पर भरोसा किया और इतनी बड़ी जीत भी उनको मिली। देखिए, मुझे तो अभी जिम्मेदारी सबसे बड़ी मिल चुकी है राजसमंद की, जो मैं सांसद बनी हूँ, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको मैं पूरी निभाने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे काम है जो हरिओम सिंह जी ने बहुत करे थे और मतलब उनके काफ़ी कुछ जो जितने भी इश्यूज थे, जितनी भी उनकी सैंक्शंस थी, वो जितनी भी उनकी काम हो चुके वो तो बहुत अच्छी बात है, जो काम नहीं हुआ उसको मुझे आगे बढ़ाना है और कई दूसरे भी इश्यूज हैं, नई बातें आएंगी सामने, उन सब चीज़ों को मुझे करना है। क्षेत्र का विकास मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगी।